everyone. This is Dipan. Welcome to my new channel, your hospitality trainer. So, आज मैं होटल मैनेजमेंट कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, 10 टू 12 टिप्स, ऐसा टिप्स जो आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स करने का दौरान बहुत हेल्प होगा, आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये शुरू करने के पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं डे टू डे रेगुलर बेसिस में होटल मैनेजमेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने जाऊँगा। ए टू जेड होटल मैनेजमेंट का ए टू जेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होटल मैनेजमेंट कोर्स जब आप करेंगे तो ये पहले आपको देना पड़ेगा एक एंट्रांस एग्ज़ाम। देखिए, एंट्रांस एग्ज़ाम मीन्स आपका जैसे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में जैसे आपका एंट्रांस एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऐसा ही होटल मैनेजमेंट में भी देना पड़ता है। सो ये जब आप होटल मैनेजमेंट एंट्रांस एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सो उस टाइम जैसे आपका रैंकिंग मिलता है, जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टर कॉलेज में जैसे आपका रैंकिंग के मुताबिक आपका एडमिशन मिलता है, सेम चीज़ है कि आपको यही ऐसे ही रैंकिंग के मुताबिक आपको अच्छा IHM कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना मस्ट है। और मान के चलिए कोई एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसका रैंकिंग अच्छा नहीं आया, सो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा क्या होटल मैनेजमेंट करेगा या छोड़ देगा? देखिए, होटल मैनेजमेंट कोर्स मत छोड़िए, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का भी जो कैंप जो कोर्सेस है, जो भी आपका क्या बोलूँ, जो भी जैसे भी पैटर्न सिलेबस है, सब चीज़ सेम है। IHM और प्राइवेट कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बोथ कॉलेजेस सेम। सो आप कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से होटल मैनेजमेंट। सो इसके बाद जो टिप्स है वो है, देखिए, आप जब होटल मैनेजमेंट कोर्स करेंगे तो आपका जो कोर्सेस है होटल मैनेजमेंट का, वो है आपका आपका NCHMCT जो नेशनल काउंसिलिंग है, वो जो गवर्नमेंट कॉलेज का है, वो भी वो एक कोर्स है। नंबर सेकंड आपका है BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, देन आपका आएगा BHSM बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, देन आपका आएगा BHMCT बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड BSc। सो ये कोर्स अवेलेबल है, इसमें से आप कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आप कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और उस प्राइवेट कॉलेज में मान के चलिए NCHMCT या नेशनल, जो मैं बोला अभी कि नेशनल काउंसिलिंग का जो कोर्सेस है वो अगर अवेलेबल है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बोथ कोर्सेस आर सेम, डोंट वरी, आप कीजिए होटल मैनेजमेंट ये कोई भी एक कोर्स लेके, एंड ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन कीजिए। और उसके बाद जब आप मतलब क्या, जब आप कोर्स करेंगे उसके दौरान आपको एक साल या 6 मंथ्स का मे बी ट्रेनिंग में भेजा जाता है। सो उस टाइम आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि वो पूरा जितना कोर्स है, मतलब 3 to 4 years का जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है, वो बहुत ही डिपेंड करता है ये ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, क्योंकि ये ही मस्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। और देन आपको आपका जो लास्ट टिप्स है वो है कि आपका जो कोर्स के दौरान जो आपको जो सब्जेक्ट्स है होटल मैनेजमेंट में, जो सब सब्जेक्ट्स आपको सिखाया जाएगा, वो एक एक चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए, आप जानिए एक एक चीज़ को, आप प्रैक्टिकली थ्योरी हर तरीके से आपको नॉलेज रखना होगा। और इंग्लिश में तो मतलब आप अगर इंग्लिश में वीक है तो इंग्लिश आपको ठीक करना होगा। एट फर्स्ट यू करेक्ट योर इंग्लिश, बिकॉज होटल इंडस्ट्री, इन दिस इंडस्ट्री वन थिंग इज़ अवेलेबल, होटल इज़ फर्स्ट, होटल इज़ लास्ट। सो आपको करना ही पड़ेगा, इंग्लिश आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए।
इंग्लिश इंग्लिश अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, आपका अपने ग्रूमिंग में ध्यान दीजिए, अपना ड्रेसिंग सेंस, मतलब जो जिसको हम ड्रेसिंग सेंस ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको उसको ठीक कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए। डोंट वरी, आप जब कॉलेज में कोर्स करेंगे तो उसी उसके दौरान आपको सिखाया जाएगा ये सब। उसी टाइम आपको अच्छे तरीके से सीखना होगा, और होटल इंडस्ट्री का एक एक पार्ट, एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यही करिए, यही कीजिए, और यही सब टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको होटल इंडस्ट्री में एक अच्छा जगह मिल जाएगा, एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही था मेरा कुछ टिप्स। अगर मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही होटल मैनेजमेंट टिप्स के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, क्योंकि जो जो नोटिफिकेशन मैं जब जब अपडेट करते रहूँगा तो उस टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल राइट गाइस, टेक केयर, दिस इज दीपन ओवर एंड आउट।